मैंने कहा ये यहाँ पर लेडीज़ बैठी हुई हैं, उनका डिलीवरी केस है, प्रेग्नेंट है और उनको कहीं हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। ये आप देख सकती हैं अभी आपके पीछे खड़ी है। टिक्का हंसानी है जी। टिक्का भाई, ये इस तरह लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं हाथून। यार ये प्रेग्नेंट औरत है और एबटाबाद से आई है और यहाँ इनसे एक कदम चला नहीं जा रहा था। रास्ते बंद हैं, ना ये पिम जा सकते हैं, ना ये वापस एबटाबाद जा सकते हैं, ना ये किसी और जगह। मैंने देखा, मैंने आके इनको रिक्वेस्ट की, वो आज की उसकी डिलीवरी की डेट है और वो औरत अपना सर पकड़ के पेट में बच्चे हैं उसके, और वो बेचारी रो रही थी कि मैं कैसे जाऊं, और मौत का इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। रास्ते बंद हैं लेकिन आप ये देख सकते हैं ये एम्बुलेंस है, अंदर जो है पेशेंट भी है। इस तरह लोग जलील हो रहे हैं। मैंने कहा ये यहाँ पर लेडीज बैठी हुई हैं, उनका डिलीवरी केस है, प्रेग्नेंट है और उनको कहीं हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। ये आप देख सकती हैं अभी आपके पीछे खड़ी हैं। अब कई तरफ से, एक तरफ से भी उनके लिए रास्ता नहीं मिल रहा, काफ़ी देर से वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। खुदा ना खास्ता उनकी यहाँ पर मौत हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है? अफसर जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? सारे रास्ते बंद है, एक तरफ से भी एम्बुलेंस यहाँ पर अभी फंसी हुई है, उसको कई तरफ से रास्ता नहीं मिल रहा। अब आवाम का इसमें क्या कसूर है? जलसा लियाकत बाग के अंदर है, रास्ते यहाँ से इस्लामाबाद से बंद किए हुए, इसमें आवाम का क्या कसूर है? आवाम को क्यों जिलोखार किया जा रहा है? लाहौर के अंदर जलसा होता है, रास्ते इस्लामाबाद से बंद कर दिए जाते हैं। पिशावर के अंदर जलसा होता है, रास्ते इस्लामाबाद से बंद कर दिए जाते हैं। इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के लोगों का आखिर कसूर क्या है, मुझे ये बताएं सिर्फ। ठीक है, अच्छा लेडी बैठी हैं ये, अभी वो देखें वो सामने जा रही हैं आपके, अब उनको कहीं तरफ से रास्ता नहीं मिल रहा, कोई गाड़ी नहीं मिल रही उनको जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए कोई उनको गाड़ी नहीं मिल रही। ठीक है, वो कश्मीर से आए हुए हैं, अब उन बेचारों का क्या कसूर है? देखें जी, ये बता रहे हैं कि एक लेडी यहाँ पहुँची जो प्रेग्नेंट है और वो उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं कंटेनर बंद है। और नौजवान कह रहा है कि क्या कसूर है लोगों का, यहाँ जो एहतजाज होना था वो तो होना था जाके लियाकत बाग में, लेकिन यहाँ से ही रास्ते बंद हैं। जी बिल्कुल भाई, लियाकत बाग चले, आज लियाकत बाग फिर करीब है। अब पिछले दिनों लाहौर के अंदर जलसा था, लाहौर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, इस्लामाबाद के रास्ते कंटेनर लगा के बंद किए हुए थे। कौन सा खजाना दफन है जो इस्लामाबाद को जो उसके खतरा है? अब ये आपके सामने लेडीज़ खड़ी हुई है, देखें आप, खुदा ने खास्ता यहाँ पर अगर इनको कुछ होता है या इनके होने वाले बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद की गवर्नमेंट है, जिन्होंने ये रास्ते सारे कंटेनर लगाकर बंद किए हुए। मेरे ये क्योंकि मेरे सामने हतून है, मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं दिखाऊं, और नज़र आ रहा है और उनसे चला नहीं जा रहा। डिलीवरी केस है लेकिन रास्ते बंद है और वो एम्बुलेंस से उतर गई हैं। आप देखें क्या सिचुएशन होगी, और अगर नौजवान ठीक है ना, अगर मौत हो जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो कौन जिम्मेदार होगा? इससे पहले एक एम्बुलेंस यहाँ पहुँची, मरीज था, उन्हें पता नहीं चल रहा था, वो परेशानी की हालत में थे कि हमने कहाँ जाना है, किस तरफ से जाना है, रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद है और लोगों ने आगे हॉस्पिटल्स में जाना है, लोग तंग हो रहे हैं, उस तरफ दिखाएं, हमारी माएँ बहनें हैं, ये रहने दें, ये इनको ना दिखाइएगा, क्योंकि खातून है और मैं नहीं समझता कि मैं दिखाऊँ, लेकिन लोग इस तरह परेशानी का शिकार हैं, लोग इस तरह इस हुकूमत के जुल्म की वजह से परेशानी का शिकार हैं। एक जो है वो होना था एहतजाज लियाकत बाग में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लियाकत बाग में एहतजाज होना था, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी बंद है और इस तरह केसेस सामने आ रहे हैं, और हतून से यकीन करें खरा नहीं हो पा रहा, हतून खरी नहीं हो सकती। सो ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, कंटेनर्स हैं और हमारे मीडिया के भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाड़ियों वालों की, कार वालों की, कि आप किसी तरह इन्हें ले जाएं, लेकिन कहां से लेके जाएं ये दिखाएं, कंटेनर लगे हुए हैं, रास्ते बंद हैं और लोग इस तरह परेशानी का शिकार हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम इस्लामाबाद में। आप दिखाएं जी ज़रा वो, क्योंकि उनकी बैक है, ज़रा दिखाएं, वो उस तरफ हैं जी, वो आप देख सकते हैं वो लेडी वो खड़ी हैं, उनसे चला नहीं जा रहा, डिलीवरी केस है, उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचना है, एम्बुलेंस में यहाँ पहुँची, और अभी आप दिखाएं जी वो गाड़ी में बैठ रही हैं। ये हमारे टिक्का हंसानी है जी। टिक्का भाई, ये इस तरह लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं हाथून। यार ये प्रेग्नेंट औरत है और एबटाबाद से आई है और यहाँ इनसे एक कदम चला नहीं जा रहा था, रास्ते बंद हैं, ना ये पिम जा सकते हैं, ना ये वापस एबटाबाद जा सकते हैं, ना ये किसी और जगह। मैंने देखा, मैंने आके इनको रिक्वेस्ट की, वो आज की उसकी डिलीवरी की डेट है और वो औरत अपना सर पकड़ के पेट में बच्चे हैं उसके, और वो बेचारी रो रही थी कि मैं कैसे जाऊं, और मौत का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने फिर इनको कहा, ट्रैफिक वाला आया, पुलिस वाला आया, और इनके अंदर कोई रहम
क्या थोड़ा सा मैंने जरा देखा है कि ये, और इनके अंदर कोई रहम क्या थोड़ा सा मैंने जरा देखा है कि ये वापस रॉन्ग, इन्होंने कहा कि ठीक है रॉन्ग जाए, लेकिन आगे बंद है। मुझे मुश्किल ये नजर आ रही है कि हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेगी, वो तो सारे रास्ते बंद। पिम्स लेता नहीं है बाहर का केस, पिम्स हॉस्पिटल में हेल्थ कार्ड एंटरटेन नहीं हो रहा केपी का, पंजाब का। इसके अलावा इमरजेंसी केस भी वो नहीं लेते, वो तो कहते हैं पहले दिन कार्ड बना हो तो फिर ही हम लेंगे। और ये जाएं तो जाएं कहाँ? बेचारा गरीब आदमी टैक्सी वाला कह रहा था जी 2000 लूंगा लेकिन मैं आपको I8 छोड़ दूंगा। अब यहाँ से 2 मिनट की ड्राइव है तो उसके पास पैसे नहीं है। अब देखिए कसम पुरसी नहीं है तो और क्या है? उस औरत का किसी को रहम नहीं है कि उसके प्रेगनेंसी हो। भाई मैं देख रहा हूँ आप इमोशनल हो गए हैं आप। नहीं मुश्किल नहीं, इमोशनल हो गए आप। ये है कि हमें रास्ता देना है खुदा के लिए, कोई इनकी सुलह करवा के रास्ते निकाले लोगों के रास्ते बंद हो। एक तरफ एहतजाज करने वाले, दूसरी तरफ एहतजाज को रोकने वाले, बीच में अवाम पिस गए हैं। और समझ नहीं आ रही फैजाबाद में बंदिश की वजह से, देखिए ये लोग आ रहे हैं आगे रास्ते बंद है फिर वापस आ रहे हैं, पता ही नहीं है। लेकिन जी इस्लाम है हमारे सहाफ़ी भाई इतिका हंसानी, इन्होंने रिक्वेस्ट करके किसी की कार में बिठवाया है, हतून से प्रेग्नेंट हतून है, चला नहीं जा रहा था, एक कदम नहीं चल पा रही थी, एम्बुलेंस से उतर गई। एम्बुलेंस वाला कहता है कि मैं कहीं नहीं लेके जा सकता, लोग इस तरह परेशानी का शिकार है, लोग इस तरह यहाँ मुश्किल का शिकार है। हतून थी, प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी केस था, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकती थी। सो उस कार वाले की मेहरबानी जो लेकर गया, इस तरह लोग परेशानी का शिकार हैं। कई एम्बुलेंस वापस आ रही हैं, कई केसेस हैं, लोग एक इससे पहले एम्बुलेंस पहुंची, अभी आपको दिखाया। सो इस तरह फैमिलीज हैं डिस्टर्ब हो रही हैं। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको दिखाते रहेंगे, एहतजाज होना नहीं होना, लेकिन यह हुकूमत जो जुल्म कर रही है ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इस हुकूमत की फासिस्ट की वजह से आप ये देख सकते हैं, ये जा रही थी, इसने आगे बेनज़ीर हॉस्पिटल की जानब जाना था, आगे रास्ते बंद है और अब वो वापस मुड़ गई है। सो ये हालात है। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी, एहतजाज एक जगह लियाकत बाग में होना था, लेकिन हालात ये हैं कि कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकती, कोई मरीज़ नहीं जा सकता, कोई भी लियाकत बाग की जानब नहीं जा सकता। आप ये देख सकते हैं रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। यहाँ लोगों से भी बात करेंगे, ये एक नौजवान आ रहे, नौजवान सलाम अलैकुम, एम्बुलेंस आ रही थी वापस चली गई है, रस्ते मुकम्मल तौर पर बंद है, क्या कहेंगे आप? देख लें आल कंपनी और माफिया इस टाइम सख्त घबराई हुई है, तो पिंडी को इन्होंने मुकम्मल सील कर दिया चारों तरफ से, इतना इनको खौफ है। कप्तान ने खाली कॉल दिया, कप्तान जेल से बाहर आएगा तो इनका क्या हाल होगा खुद आगे देख लें आप, रोज रिपोर्टिंग करते हैं, और रात को इन्होंने साफियों के साथ क्या किया है खुद ही आपको पता है। ये क्या वजह है इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी, एक ये बंद आगे से बंद, तकरीबन 7 उन्होंने लेट्स लगाई हैं जो रस्ते बंद किए हैं, एहतजाज तो एक जगह होना था, क्या वजह इतना क्यों बंद किया गया? बेशक ये बंद करें, आगे इन्होंने लाहौर के भी रास्ते बंद किए थे, इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ था उसके भी इन्होंने रास्ते बंद किए, क्या हुआ है रास्ते खुल जाते हैं, खान के टैगर पहुँचेंगे अपने मुकाम पे, यहाँ पे खान ने कॉल दी हुई है बाग के मुकाम पे, इंशाल्लाह पहुँचेंगे खान की कॉल पे। अच्छा बिल्कुल, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए तैयार हैं सारे। ये पिंडी से हैं, वो कह रहे हैं कि खान के जो टाइगर हैं वो पहुँचेंगे। आइए यहाँ मजीद लोग हैं, ये नौजवान कहाँ से आ रहे हैं, नौजवान से पूछते हैं किस तरह यहाँ पहुँचा है। नौजवान सलाम अलैकुम सर जी, क्या हालात हैं, रस्ते बंद हैं आप, क्या हालात हैं इस टाइम? पता नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है ये, क्यों बंद किए हैं? लोग जलील हो रहे हैं, अभी एम्बुलेंस आई है वो भी इधर से वापस चली गई है। बिल्कुल तो, अभी एम्बुलेंस आई है, ये मैं दिखाता हूँ जी, ये दिखाएं जी, ये एक मिनट ये देखें जी, ये डिसेबल है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हॉस्टल सिटी से। हॉस्टल सिटी से, तो आप, मैं देख सकता हूं कि आप डिसेबल हैं, रस्ते बंद है और आप यहां डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह आप कहां जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूं 6 रोड पे। नहीं तो 6 रोड पे इतना पैदल चल के जाएंगे आप? यहां से देखते हैं अगर कुछ मिला तो ठीक, वरना जो किस्मत। ये तो क्यों रस्ते बंद किए हैं इन्होंने, एहतजाज तो लियाकत बाग में होना था। पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ तो पता चला ये सारा सीन। ठीक है, देखें जी लोग इस तरह हो रहे हैं, एक एम्बुलेंस भी आपने देखी कि पीछे गई, इस तरह डिसेबल हैं, इन्होंने आगे 6 रोड की तरफ जाना था। नौजवान सलाम अलैकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर रहता हूँ साथ में। जी क्या हालात हैं, ये मुकम्मल रस्ते बंद हैं, क्या कहेंगे आप? यार क्या बोलें, अब दो लोगों की लड़ाई में हम ही पिस रहे हैं, सारों को पता है, सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा,
आप 3 साल वाले बच्चे से पूछ लेंगे, वो आपको डिटेल पूरी ए से जेड तक बता देगा पाकिस्तान के हालात, ये हालात हैं। इत्तेजाज अगर होना था तो वो तो एक जगह होना था, लियाकत बाग। अभी आप नीचे जाओ ना, मैं नीचे से ऊपर हो गया, आप मुझे रास्ता क्रॉस करके जाना है। अब इतनी जलालत है, वो भतीजा पियम्स में है, उनको देखने जाना है, मगर देखो हालात क्या बोले हम यार। अभी कौन है पियम्स में भतीजा मेरा, वो रास्ता बंद है, उसको देखने जाना है। वो ठीक है, देखें जी, लोग इस तरह डिस्टर्ब हैं, इस तरह परेशानी का शिकार हैं। वो कह रहे हैं कि भतीजा माफिया आपको पता है, कंपनी और माफिया इस चीज से सर डरी हुई है। जो लोग डोनट से डरते हैं वो रास्ते ही बंद करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, ये नौजवान है डोनट लेके आए हैं, ये भी खाते हैं साथ साथ, आगे भी बात करते हैं। डोनट लेके आए हैं, आगे भी आप बात करते हैं। मेरे साफी भाई हैं, भाई जान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कितने हैं आप यहाँ पे? देखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आगे अब होने क्या वाले हैं। ये जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने कहा था कि पीटीआई वालों को हम दावत देते हैं, वो आके एहतजाज करें, रैलियाँ करें, धरने करें, जो करने करें, हम उनको खुली इजाज़त देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हर तरफ से कंटेनर लगाया गया। मैं अभी खुद भी एक रिपोर्ट बना रहा था और आपने भी वो कैच किया कि वो एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं दिया गया। बिल्कुल, वहाँ पर जो एंट्रेंस है स्कूल की, वहाँ पर भी जो है पुलिस तैनात है, वहाँ पे उन्होंने बैरियर्स रखे हुए हैं जिससे रोड बंद हुआ हुआ है। एम्बुलेंस को वहाँ से आने दिया गया है, ये सेंस है यहाँ पे कि उधर की पुलिस वाले को ये नहीं पता कि यार ये एम्बुलेंस को अगर मैं यहाँ से ले जाने दे रहा हूँ तो आगे का आगे की क्या सिचुएशन है। बेनजीर हॉस्पिटल की तरफ जाना होगा, उधर जाना, अगर उनको वहाँ भी जाना था, पिम्स जाना था, जहाँ भी जाना, उस पुलिस वाले को ये नहीं पता कि मैं जिस पुल के इस साइड खड़ा हूँ इससे उस साइड पे क्या हो रहा है। वो एम्बुलेंस अभी भी आवाजें आ रही है कि इधर ही फेर रही है। ठीक है, तो हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको अगर किसी सियासी जमात का ये हर सियासी जमात का ये हक है कि वो धरना करे, जलसा करे, लेकिन इन्होंने तो एक बिल भी पास किया कि आप बगैर इजाजत के जलसा नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने एनओसी लेने की कोशिश की, उन जो डीसी रावलपिंडी, उन्होंने नहीं दी इनको एनओसी। ठीक है, तो उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। अब अगर उन्होंने कॉल दे दी है तो ये मतलब तो नहीं है कि इससे आवाम के लोग जलील करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद अभी लोगों से सर्वे किया, उन्होंने कहा कि यार हम लोग पिछले आधे घंटे से जलील हो रहे हैं, कोई ऑफिस पहुंचने के लिए के चक्कर में कि मैं ऑफिस पहुंच जाऊं तो ऑफिस नहीं पहुंच रहे। अगर दूसरी तरफ बात कीजिए, ये लोग कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई कम हो गई है। महंगाई कहाँ से कम होगी? एक गरीब आवाम जो बंदा यहाँ से मोटरसाइकिल पे 50-100 रुपए का पेट्रोल डाल के ऑफिस पहुँच रहा था, उससे आप आज पूछे ना जरा वो कितने पे पहुँच रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ मौजूद हैं, सो आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, किस तरफ से जाना है, मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की। रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। एक और नौजवान ठीक है, वो कह रहे हैं ठीक है जी। सो ये सूरत हाल है जी, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया कि एम्बुलेंस ने जाना था और एम्बुलेंस फिर वापस मुड़ी, उसे अभी भी आवाज़ें आ रही थी, नहीं पता कि मैंने कहां पर जाना है, किस तरफ से जाना है, और अंदर पेशेंट था, अंदर मरीज़ था, और लोग इस कदर परेशानी का शिकार है। और आप आपको मैं दिखाता हूं लोग किस तरह आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। एहतजाज जो तहरीक इंसाफ ने करना था, और आपने देखा किस तरह इन्होंने कंटेनर लगाए हैं, इस्लामाबाद को, पिंडी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस तरफ दिखाएँ जी, ये नौजवान है, कहीं से ये मुसाफिर है, कहीं से आ रहे थे, और अभी आप भी देख सकते हैं ये पैदल जा रहे हैं। सो ये सूरत हाल है, बाकी लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे क्या कहते हैं, जो भी सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। रास्ता नहीं मिल रहा कि जाने। हाँ जी।